नमस्कार दोस्तों, यह है विकी गेम्स और आज के वीडियो में मैं बहुत एक अमेजिंग लेके आया हूँ जो मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ फ्लीट किया है। वो है अविनाश, जो कि वो एक डिफेंडर है, बहुत ही अमेजिंग डिफेंडर है। और मैं शूटर की तरह खेलूंगा जैसे मैं कि हमेशा खेलता हूँ, और देखते हैं इन बैटल में क्या मजा आया, क्या ट्रिक्स है, क्या स्ट्रेटेजीज है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। बैटल बे तो पहली जो स्टेज है, जो पहला गेम प्ले है, वो है क्रूड अवेकनिंग। तो क्रूड अवेकनिंग हम देखेंगे कैसे खेलते हैं। मैच शुरू हो गया है, गेट रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। तो अविनाश खेल रहे हैं एज अ डिफेंडर और मैं खेल रहा हूँ एज अ शूटर। तो सबसे पहले एक जो इसमें लोकेशन होती है, राइट हैंड साइड में एक पत्थर पड़ा हुआ है जहाँ से आप लॉन्ग रेंज मोर्टार से फायर कर सकते हैं। मैं हमेशा सबसे पहले जाते ही उस रेंज को टारगेट करता हूँ। मेरे स्क्रीन में राइट हैंड साइड में मैं हूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ। मैंने एक अविनाश को ऐसे ही सिग्नल दिया कि बॉस एक मोटा चला के बताया, और मैं जा रहा हूँ सीधा। मेरे को गुंडे दिखने लग गए हैं, उनके पास जा रहा हूँ। स्नाइपर राइफल से मेरी रेंज में है वो, एक जरा विजन के बाहर चला गया, लेकिन हाँ स्नाइपर के राइफल के बाद आ गया। 261 का डैमेज उसने ऊपर रॉकेट डाला, बहुत बड़ा डैमेज किया है। बहुत नुकसान हुआ है मेरे पर। अविनाश भी बहुत अच्छे से वहाँ पे टारगेट कर रहा है और डैमेज कर रहा है, और हम दोनों ने यहाँ पे कमान संभाली हुई है। और लोग मैप में देख सकते हैं आप, बाकी लोग भी इधर ही हैं, लेकिन सामने से बहुत तेजी से टॉर्पिडो से हमला हो रहा है। और अविनाश भी हो रेलगन, अविनाश के मैप में आपने ध्यान से देखी होगी, बहुत तेजी से एक रेलगन गई। मैं भी लगातार फायर बॉम्ब और लॉन्ग रेंज मोर्टार से टारगेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप, मैं घिरता जा रहा हूँ, मेरे पास काफी घिर गया और अविनाश एकदम उनके पास में है। अविनाश की स्क्रीन में आप क्लियरली देख सकते हैं, 3 लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी चैलेंज ये हो जाता है कि वो अविनाश को टारगेट करें या मेरे को टारगेट करें, क्योंकि एक क्योंकि दोनों तरफ से मूव घुमाना पड़ता है और हम दोनों लगातार फायर कर रहे हैं। क्योंकि डिफेंडर की काफी ज्यादा होती है हेल्थ, 5,000 कुछ है, मेरी 4,000 कुछ है। तो एक डिफेंडर काफी सारी गोलियां खा सकता है, और जैसा कि मैं अविनाश के देख सकता हूँ, उन्होंने शायद बैंडेड भी लगा रखी है, +41 हो रहा है उनकी बैंडेड लगी हुई है। एक इनका डिफेंडर अपोनेंट का मरते हुए, अविनाश के थ्रू इनका अपोनेंट कुत्ते की मौत मर गया। बहुत ही बेहतरीन अब लगातार खेल रहे हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन में देखेंगे तो मैं लगातार लॉन्ग रेंज मोर्टार चला रहा हूँ, और हमारा भी एक शहीद हो गया। लगातार लॉन्ग रेंज मोर्टार और फायर बॉम्ब चल रहा है जिससे बड़ा डैमेज हो रहा है। अब मौका, ओहो पत्थर पे भिड़ गया, बहुत नुकसान हो गया। अब मौका आ गया है कि यार थोड़ा बाहर निकला जाए और थोड़ा डैमेज खुद लिया जाए, नहीं तो अपने लोगों के ऊपर ही सारा डैमेज आ जाएगा। तो मैंने इस शूटर का अपनी तरफ ध्यान खींचा और भगाते हुए गाड़ी एक वेव के साथ, लेकिन शायद वो पीछे मुड़ गया, तो मैं इसके मौके को कभी भी मिस नहीं करूंगा। और अच्छे से प्यारे प्यारे शॉट लगा रहा हूँ, 300 300 400 400 का डैमेज कर रहा हूँ। अपने 500 500 के डैमेज होते हैं लॉन्ग रेंज मोर्टार और एपिक स्टैंडर्ड मोर्टार है, जिनसे बहुत नुकसान कर रहा हूँ। अब बचे हैं सिर्फ हम दोनों, बड़े ही प्यार से मारने का इसका मजा आ रहा है। ये तड़पते तड़पते जो मर रहा है फायर बॉम्ब से, उसकी खुशी ही लाजवाब है मेरे दोस्त। बहुत ही अमेजिंग बैटल थी, और जिसमें मैंने 6,800 कुछ का डैमेज किया है, बहुत अमेजिंग थी ये। तो सेकंड बैटल है डिस्ट्रिक्ट 9 के बारे में, आप क्लियरली देख सकते हैं वही लेफ्ट हैंड साइड में विनाश है, राइट हैंड साइड में मैं खेल रहा हूँ। और इसमें मेरी भी एक स्ट्रेटेजी है, बेसिकली जब भी हम लोग इधर से स्पॉन होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं भी लेके जाऊंगा अपनी शिप को। आप ध्यान से देखते हैं अविनाश के काफी मूव है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है और मैं अविनाश के पीछे हूँ, लेकिन एक स्टेबल पॉइंट अविनाश ने अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ले लिया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस बक्से के कोने में साइड में चल जाता हूँ और यहाँ से लॉन्ग रेंज मोटर चलाता हूँ। ये काफी सही जगह होती है, जब भी आप कभी सामने जब गैस करके लॉन्ग रेंज मोटर चलाते हैं, मैंने चलाया, ओ माय गॉड एकदम सही चल गया और मैंने सिग्नल दे दिया गैस। हाँ तो मैं बता ये रहा था कि आप कहीं साइड में से जब आप चलाते हैं लॉन्ग रेंज मोटर, तो काफी चांसेस कम होते हैं कि आपके ऊपर रिवर्ट में गिर जाए। अब जल्दी जनरली जब मैं गैस करके ऐसे चला रहा हूँ, तो वो मैं एज एक बीच में ही चलाता हूँ, ऐसे कहीं साइड वाइड में नहीं चलाता। हालांकि क्या विजन था तो उसने मेरे को डैमेज कर दिया था। ओहो साइड में से पप्पू लोग आ गए हैं, विनाश को सिग्नल दिया, विनाश के ऊपर हमला हुआ। थोड़ा सा वीडियो में लैग, लगातार फायर बॉम्ब और लॉन्ग रेंज मोर्टार का डैमेज करते हुए, और स्नाइपर मुझे चलाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर अविनाश की स्ट्रैटेजी देखे तो अविनाश भी पीछे थोड़ा बैक एंड में उनके ऊपर हमले हो गए हैं, और क्लियर व्यू देख सकते हैं आप एक ही बैटल में दोनों जनों का। और हालांकि मेरे पास लॉन्ग रेंज मोर्टार है और स्नाइपर वगैरह सब कुछ है, तो मैं जैसे ही अगर लॉन्ग रेंज में भी कोई बंदा देखता है, मैं कंटिन्यूस फायर मेरी लगातार चलती रहती है। दोनों एकदम पास में, अविनाश जी भी काफी लंबा डैमेज कर रहे हैं इनके, जो अभी स्पीडर को मारे तो बहुत मजा आएगा।
और बहुत बड़ा डैमेज किया है इस अविनाश ने, 5564 का, और दो बहुत बड़े डैमेज किए जिससे उस सामने वाले शूटर को पीछे भागना पड़ा। पीछे से मैंने लॉन्ग रेंज मोर्टार और अपने मोर्टार से लगातार सपोर्ट देते हुए जिनसे उनको पीछे खदेड़ दिया। ओ माय गॉड, 2063 का डैमेज अविनाश की शिप के ऊपर, बहुत भयंकर टॉर्पिडो चढ़ा है और अविनाश इस टाइम पे घिर चुके हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं पीछे से फुल सपोर्ट दे रहा हूँ और इनको ज़्यादा देर मौका नहीं दिया जाएगा, मेरी शिप खराब कर दी गई। ओ माय गॉड अविनाश ब्रो, तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, लगातार टॉर्पिडो चल रहे हैं। लेकिन अविनाश ने बहुत ही अच्छे संभालते हुए एक बंदे को निपटा दिया, मेरी शिप भी ठीक हो चुकी है और लगातार फायर चल रहे हैं। स्पीडर लोगों के साथ मेरे को खेलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये लोग मेरे टारगेट डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं उसके टॉर्पीडो से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच गया। दो टॉर्पीडो लेके आया वो, एक लॉन्ग रेंज टॉर्पीडो मतलब एक बिग टॉर्पीडो और एक सिंपल टॉर्पीडो, डबल किल, बहुत शानदार, 5,000 खुद का डैमेज किया है। अब बढ़ रहे हैं हम थर्ड बैटल के ऊपर। थर्ड बैटल में आपको खुद गेस करना है कि ये कौन सा मैप है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है। आप नीचे कमेंट करके बताइए मेरे को ये कौन सा मैप है। इस आप बाय अविनाश के में क्लियरली देख सकते हैं पोसाइडन को, और पोसाइडन में एक आगे स्पीडर चल, वो डिफेंडर चल रहा है, सामने मेरे टॉर्पिडो आते हुए जो कि ये सिग्नल देते हैं कि सामने कोई है। मैं एक अंधाधुन एक अपनी लॉन्ग रेंज मोटर से चला तो वो माई गॉड 1456 का डैमेज हुआ एक टॉर्पिडो से, जो बहुत नुकसान है। अविनाश ने एक नेगेटिव का सिग्नल दिया है लेकिन मुझे यहाँ पे लॉन्ग रेंज मोटर लगातार चला चला के देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर डैमेज जा रहा है। आगे बढ़ते रहना पड़ेगा क्योंकि अपने साइड डिफेंडर है। ओ माय गॉड, टॉर्पीडो साइड में बचते हुए और गुंडा दिख गया है, मैंने अपना फायर कर दिया है जाके वहां पे। उसको बहुत कम डैमेज हुआ लेकिन इससे एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई उनकी टीम बिखरी हुई है, उनके पास एक फिक्सर भी है लेकिन टीम बिखरी हुई है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो अपन लोग इन तीनों के ऊपर दबाव बना सकते हैं, जब इस साइड मुंह घुमा ही लिया तो पीछे से हमला हो सकता है, कैप्चरिंग भी हो रही है लेकिन इतने सारे डैमेज में कैप्चरिंग का कोई फायदा नहीं है। अविनाश तेजी से लड़ाई की तरफ बढ़ते हुए एक टॉर्पीडो आके पीछे से मेरे पास भाई खड़ा और भाई 2,500 का डैमेज किया, जो कि एक शूटर के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। पीछे से हमला हो रहा है, टॉर्पीडो सामने से आते हुए टॉर्पीडो, और जो साइड में आते टॉर्पीडो उनसे तो मैं बच सकता हूँ। अब मुझे जैसे तैसे अपनी जान बचा के रहना है क्योंकि मैं शील्ड यूज कर रहा हूँ और मैंने बैंडेड नहीं लगा रखी है, तो मेरी हेल्थ कैसे भी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो अंदर गुफा में जाऊं या कहीं ऐसे, कहीं अपने को सेफ खेलना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि पीछे से भी हमला हो रहा है। एक स्नाइपर का मेरा शॉट मिस हो गया, अविनाश सीधा घुस चुका है अंदर पूरे मैदान में, क्योंकि उसकी शॉर्ट रेंज का जो, अगर मैं आप सीधा देख सकते हैं, ग्रेनेड है सीधा घुस चुका है। सामने वालों के 3 बचे, हमारे भी 3 बचे शूटर, और मेरे ऊपर एक 4,400 का डैमेज कर, 4,400 की हेल्थ वाला बंदा फुल फायर कर रहा है। एक बंदा मेरे को कवर फायर देते हुए आया, उसकी भी हेल्थ कम है, लेकिन क्या हम दोनों मिलकर इसकी बैंड बजा पाएंगे? एक आग मैंने इसके ऊपर लगा दी है, दो आग लगा दी है और बहुत बड़ा डैमेज कुछ शायद इसके ऊपर वो लगा, क्रिटिकल हिट का विनाश के मारा है और उसके ऊपर बहुत अच्छा डैमेज हुआ है, तो बच गई दोनों की जान, नहीं तो फाट लग जाती। अकेला डिफेंडर और एक फिक्सर बचाए कि ये दोनों कब तक टिक पाएंगे। हालांकि ये लोग समझ चुके हैं कि इनको मोर्टार से बचना है, और ओ माय गॉड फायर बॉम्ब, हाँ फायर बॉम्ब मेरे ऊपर आग लगा दी गई है। बहुत कम हेल्थ है मेरी और बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है, क्या ये फायर बॉम्ब मेरे को मार देगा? अविनाश लगातार डटे हुए हैं अपनी जगह पे और अपनी हेल्थ बरकरार कर रहे हैं, और मैं भी पीछे से फुल मोटा सपोर्ट दे रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपका फुल, अगर आप उसके ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन पे गोला मारेंगे तो वो क्या है, वो ब्लैक ब्लैक देखा और सही टारगेट नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा आउटर में मैन्युअली टारगेट करके फायर कर दीजिए, देखिए जैसे मैंने किया तो थोड़ा सा गोले के एरिया में आ जाता तो आग लग जाती। मात्र 74 की हेल्थ है मेरे पास, अगर एक गोली भी लगी तो मेरा खेल खत्म है, और ये बात सामने वाले ने अगर देख ली तो वो ललचाते हुए मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, और इतने में मेरे को अपनी टीम के ऊपर भरोसा है कि वो लोग उसको मार देंगे। अविनाश बहुत बड़ा डैमेज कर रहा, फिक्स उसको लगातार फिक्स कर रहा था लेकिन मेरी लॉन्ग रेंज मोर्टार से वो बच नहीं पाया और ये मैच खत्म हो गया। 10 10,000 मतलब 9,000 कुछ का मैंने डैमेज किया और अविनाश ने भी 10,000 का डैमेज किया, तो बहुत ही अमेजिंग डैमेज था। आप नीचे कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, और देखते रहिए विकी गेम्स, थैंक यू सो मच बाय, और पेटीएम पर आप अपना डोनेशन जारी रखें ताकि हम लोग एक नया माइक खरीद के और बहुत ही शानदार और क्वालिटी में वीडियो बनाए।